मैं हूँ आपके साथ अंशु कुमार और मैं पारू यादव। तो रणवीर कपूर का नया ट्रेलर अनाउंसमेंट आया है ब्रह्मास्त्र का, और रणवीर कपूर का टीजर हो और उसमें लड़कियां ना हो तो ये कैसे पॉसिबल है? तो हमने सोचा कि हम सारी लड़कियां मिलके ही इसका एक रिव्यू कर दें। तो बेसिकली आपको पता ही होगा कि 9 सितंबर को ब्रह्मास्त्र रिलीज हो रही है और इस मूवी का वेट तो पूरे इंडिया को ही है, क्योंकि पहली एक्शन मूवी होने वाली है, एक्शन सुपर हीरो मूवी होने वाली है, जो कि ऑफ कोर्स इंडियन माइथोलॉजी से उठाई गई है। इसको डायरेक्ट किया है अयान मुखर्जी ने और मूवी में बहुत बड़े बड़े स्टार्स अपना किरदार निभा रहे हैं, जैसे कि रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, नागार्जुन हो गए, अमिताभ बच्चन हो गए और मौनी रॉय। तो टाइम वेस्ट करे बिना पहले हम इसका ट्रेलर अनाउंसमेंट देख लेते हैं। पार्ट वन शिवा का टीजर था और देख के काफी ज्यादा एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ गया है कि इसके ट्रेलर का जो वेट है मुझे लगता नहीं कि पब्लिक ज्यादा वेट कर पाएगी। 15 दिन बाद इसका ट्रेलर रिलीज होने वाला है, तो मेरे हिसाब से तो काफी ज्यादा, मतलब इसका ट्रेलर अनाउंसमेंट इतना यूनिक था कि हम लोग ट्रेलर का वेट तो कर ही नहीं सकते, और मूवी का वेट तो फिर बहुत दूर की बात है। और खासकर मेरे ख्याल से बॉलीवुड में जो है एक्सपेक्टेशंस लोगों की इतनी नहीं होती है जिस तरीके से ये टीजर है। इसके वीएफएक्स देखे जाए तो एकदम मार्वल टाइप वीएफएक्स लगे मुझे, और काफी ज्यादा यूनिक कैरेक्टर्स हैं इसमें। मौनी रॉय का किरदार मुझे स्पेशली बहुत अच्छा लगा, जिस तरह से उनको पोर्ट्रे किया गया है एक विलन के रोल में, तो आई थिंक कि मुझे देखना है उनको कि क्या वो अपने रोल को जस्टिस कर दे पाएंगे नहीं दे पाएंगी। बाकी तो मौनी को वैसे भी नागिन के रूप में थोड़ा सा नागिन का रूप था, मौनी रॉय का जो नागिन वाला रूप था वो भी इसमें ऐसा लगा और दिखाई दिया सबको डाल दिया। एक चीज और है जो कि रणवीर और आलिया दोनों की शादी के बाद ये मेरे ख्याल से पहली मूवी होगी, तो लोगों को इसके लिए बहुत सारी फैन फॉलोइंग आलिया भट्ट देखने के लिए थोड़ा सा लोग ज्यादा एक्साइटेड जी। केमिस्ट्री जो है वो पहली बार मूवी में आफ्टर मैरिज दिखेगा, तो क्या इसका असर पड़ेगा, क्योंकि रणबीर कपूर की लड़कियां काफी फैन है तो बहुत सारी लड़कियों का जो है वो दिल टूटा है, तो इस मूवी में ये भी देखने को मिलेगा कि किस तरीके से पब्लिक उसे लेती है, एक्सेप्ट करती है। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात तो हम भूल रहे हैं अमिताभ बच्चन का रोल। इतने सालों के बाद हमें अमिताभ बच्चन ऐसे एक किरदार में दिखाई दे रहे हैं जो कि एकदम फियर्स और आई थिंक थोड़ा सा दिखाया गया है, और मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ इसके लिए। आप लोग अपना बताइए जी। एंग्री यंग मैन का जो रोल है मेरे ख्याल से पहली बार लोग देखेंगे ऐसा रूप, जो कि टीजर में अमिताभ बच्चन बहुत टाइम बाद, और जनरली जो है अमिताभ बच्चन किसी भी किरदार में जो है वो ढल जाते हैं। तो लोगों को जो एंग्री यंग मैन की जो फैन फॉलोइंग मेरे ख्याल से हर एज के उम्र वाले लोगों को जो है हर एज के लोगों के लिए कुछ ना कुछ इसमें अलग है। जो हमसे पहले वाले जनरेशन के लिए जो है अमिताभ बच्चन है, तो नागार्जुन है, मौनी रॉय का कैरेक्टर भी मतलब बहुत अच्छा लगा देख के जी। सीरियल्स वालों के लिए मौनी रॉय एक बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है, मौनी रॉय की नागिन की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है जी। तो एक तरीके से एक कॉम्बिनेशन जो हम कहें कि बहुत सारे सक्सेसफुल एक्टर एक्ट्रेस का एक कॉम्बिनेशन है मूवी में, और बहुत ही डाइवर्स कास्टिंग की गई है, और स्पेशली अयान मुखर्जी जैसे यंग डायरेक्टर ने इतनी अच्छी मूवी डायरेक्ट की है, मतलब ये तो देखना बाकी है कि मूवी कैसी होगी, बट जितना भी अब तक का इसका फर्स्ट लुक कह लो या ट्रेलर अनाउंसमेंट कह लो या टीजर कह लो, वो देखकर ही ऐसा लग रहा है कि इसके वीएफएक्स पार लेवल के होने वाले हैं। तो लेट्स सी कि मूवी कैसी होगी। तो 15 को इसका ट्रेलर रिलीज हो रहा है, तो हम तो इसका ट्रेलर रिएक्शन करेंगे ही करेंगे, तो प्लीज आप आके देखिएगा, और बाकी अपना भी आप अपनी राय हमें बताइए कमेंट बॉक्स में जी। और चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूले, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी प्रेस कर ले, और साथ ही साथ वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें, और अपने दोस्तों के साथ जितना शेयर कर सकते हैं उतना ज्यादा शेयर करें। तब तक के लिए देखते रहिए द डॉलीवुड रिपोर्टर्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय।